हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जहां पर आपको 30 से 40 परसेंट के रिटर्न आने वाले तीन एक क्वार्टर या दो क्वार्टर के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे और जैसे कि हमारा प्लान रहता ही है कि क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे हमें या तो बीस रिटर्न मिल जाए या फिर ईयरली बेसिस पे हमें चालीस के रिटर्न मिल जाए इट इज मोर देन इन अ फोरस अगर हम बात करें आज की डेट की तो एक वीडियो आ चुका है यहाँ पर देख लिये फाइव बेस्ट स्टॉक बेस्ट स्टॉक है इनसे टारगेट और सब चीज मैंने आपको बताई है क्या रेजिस्टेंस हो सकते है जाके यहां पर वीडियो को देखिए क्यों इन स्टॉक्स को अभी पिक किया तो अच्छे रिटर्न बनेंगे उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर देख सकते हैं एज वेल एज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक से एक ऐसे से रिलेटेड जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पर बिलोंग करता है बट उसके अगर फंडामेंटल्स देखेंगे और केवल कितने अट्ठासी रुपए पे ये शेयर मिल रहा है एटी एट रुपीज में ये शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कौन सा स्टॉक्स है जानते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को आप सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई डिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, वीडियो को देखिए लास्ट तक और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी एड कर लीजिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है और ज्यादा यहाँ पर मेहनत करने का मन करता है कि आपके लिए मेहनत की जाए आ, हम तो यहाँ पर सीखते ही रहते हैं आप भी यहाँ पर सीखने की कोशिश करें बाकी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आपको यहाँ पर किसी फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत है मार्केट से रिलेटेड तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं सबसे पहले आप कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ डेटा है यहाँ पर स्प्लिट की बात करें कंपनी यहाँ पर देखिए स्प्लिट दस रुपए का यहाँ पर फेस वैल्यू था वो दो रुपए का होता हुआ दिखाई दिया 27 जून 2018 को ये स्प्लिट हुआ डिविडेंड की बात करें काफी साल बाद कंपनी ने यहाँ पर बात करें पहली बार 2021 में यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आई है इसके अलावा कुछ पॉइंट्स की अगर बात करूं तो देखें यहाँ पर यहाँ पर रिवेन्यू दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पर अच्छे खासी दो तक बढ़ रहे थे उसके बाद दो और बाईस में थोड़ी सी गिरते हुए दिखाई दे क्योंकि सब यहाँ पर आप समझ सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड का यहाँ पर एक रिएक्शन बट स्टिल यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अगर स्मॉल कैप कंपनी में आपको इतना बेहतरीन शेयर अगर आपको मिल जाए ओके okay, जो कि आपके 2017 से लेके 2021 में पांच साल के अंदर अंदर आपके आपके अपने प्रॉफिट को इसने चार गुना कर लिया है तो आपके पैसे को क्या किया होगा आप खुद ही समझ सकते हो और तब यहाँ पर एक बीच में स्प्लिट भी दे चुका है तो ऐसे ही शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं इस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले की कंपनी कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है तो इसी जो इसका नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है ना उसी तरीके का ये शेयर भी है काफी बेहतरीन शेयर है उससे पहले यहां को दिखाना चाहता हूँ दो का फेस वैल्यू है एक सौ सत्ताईस रुपए यहाँ पर फिफ्टी टू भी खाया गया था एटी

कैपेसिटी है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस यहाँ पर टीम्स मेंबर यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं इसके अलावा कंपनी इंडिया में ही नहीं यहाँ पर ग्लोबली काम करती हुई दिखाई देती है यहाँ पर यूरोप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जितनी भी कंट्रीज है ओके सब में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर टर्की एज वेल एज स्पेन यहाँ पर पुर्तगाल पोलैंड इटली ग्रीस जर्मनी चेक रिपब्लिक एज वेल एज यहाँ पर बोस्निया मतलब मल्टीपल कंपनी यूरोप में यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज में एशिया की बात

तो उतना ही पैसा बनता है वो दिखाई देगा 2005 में पांच रुपए का शेयर था ओके यहाँ पर सब चीज स्पीड वगैरह देने के बाद स्टिल यहाँ पर 88 पे शेयर चल रहा है इसके अलावा 6 का पी है पी कोई खास यहाँ पर सस्ता मिल रहा है आर ओ सी का भी बेहतरीन है 22 और 24 का जो कि अच्छी बात है 51% वन पर डेट भी है आ, अगर हम यहाँ पर बात करें और इंटरेंसिक वैल्यू देखिए ट्रू वैल्यू जो इसकी है वन की है इस चीज को याद रखिये मतलब वन डिजर्व करता है ये स्टॉक्स और यहाँ पर हम बात करें जो पर्टिकुलर जितने भी शेयर है उसमें से थर्टी थ्री परसेंट यहाँ पर प्लेज रखे हुए वही डेट हमें यहां पर दिखाई देता है अब एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि प्लेजिंग यहां पर है ओके okay, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे खासे यहाँ पर चल रहे थे यहाँ पर देखिए पूरा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया बट स्टिल कंपनी का दोबारा यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और कंपनी अभी की जो यहाँ पर सेल्स हुई है वो हाइस्ट एवर सेल्स है और नेट प्रॉफिट की बात करें जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च दो को छोड़ दी ओके जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक्सपेंस कम हुए थे और यहाँ पर एक्सपेंस कुछ ज्यादा हुए इसे हम यहाँ पर निकाल दें तो कंपनी

देख सकते हैं थर्टी परसेंट पर थर्टी में भी अगर हम बात करें तो ये कुछ छोटे चोट छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर कंपनीज है यहाँ पर देखेंगे तो इनके पास ही यहाँ पर लगभग लगभग आठ नौ की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है आठ नौ की हिस्सेदारी घटा देंगे तो लगभग वही 21, 22, 21-22% की हिस्सेदारी यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के पास है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है बड़े बड़े लोगों के पास है तो यहाँ पर इस कंपनी को आपको समझना होगा एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर प्लेजिंग है जो कि यहाँ पर हमें डेट में दिखाई देता है तो यहाँ पर कंपनी का डेट है बस ये है थोड़ा सा वही फिफ्टी परसेंट कंपनी अच्छी खासी नजर आती है एफ ने होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है अब यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट की देखिए फोर्टी टू परसेंट 42% यहां पर रिटर्न्स हमें नजर आ रहे हैं कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पर जाती है जो कि ₹127 है और जिस तरीके से यहां पर इसने नंबर पेश करे हैं मुझे नहीं लगता ज्यादा यहां पर टाइम लगना चाहिए कोई भी इस कंपनी को छोटी सी कंपनी है ओके आ, बड़ा ऑपरेटर कोई भी आके यहां पर कंपनी को हिला सकता है 30% का यहां पर डाउनसाइड ऑलरेडी यहां पर कंपनी यहां पर शो कर चुकी है सपोर्ट की बात करें कंपनी ने जो आज सपोर्ट लिया यहाँ पर जो अपना लो बनाया था वही एक बेहतरीन सपोर्ट चल रहा है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था इससे पहले फिर यहाँ लिया था यहाँ लिया था अगेन यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है चीजें अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके कंपनी ऐसे ही देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पर लाख के साथ भी हुआ था लाख का क्या था सेम इसी तरीके का चार्ट पैटर्न ऊपर जाता था नीचे जाता था और एक सपोर्ट बनाने के बाद एक अच्छे रिजल्ट आए ओके चीजें ऊपर निकल गई ये चीजें देखिए ऊपर निकलनी थी यहाँ पर अगर बात करें ये रिजल्ट आए थे बट यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया क्योंकि पूरी मार्केट

और फिर इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे टारगेट की बात करें तो वन फिफ्टी रुपीज तक ये टारगेट जाता हुआ दिखाई दे रहा है वन फिफ्टी का मतलब क्या है वन फिफ्टी का मतलब है जो पर जो परसेंट के रिटर्न थे वो 74% के लगभग आपका पैसा 75% बढ़ता है और अच्छे खासे पे, 31 के पे चल है। थोड़ा सा दो तीन चार रुपए अपॉर्चुनिटी दोबारा रहेगी लो बनाया था उसके बाद चीटें निकली थी तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर भी रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प लीजिएगा स्मॉल कंपनी है तो थोड़ा सा रणनीति अपनाइएगा कंपनी बेस्ट है कंपनी का नंबर बेस्ट बाकी कुछ भी नहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना दूसरी वीडियोस को जाके यहाँ पर देखिए जितना हो सके सपोर्ट करिए लाइक करें कमेंट करें हमसे कांटेक्ट करना यह कांटेक्ट नंबर है यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस